आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय रंधावा साहब, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय सीपी जोशी जी, माननीय हमारे तीनों सह प्रभारी, तमाम मंत्रीगण, तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं बहनों, युवा साथियों, मीडिया के बंधुओं, जब से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है तब से लेकर के सरकार ने हर वर्ग को साथ लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कृषि का ऋण है किसानों का, उसको माफ करने का ऐलान किया था, 10 दिन का नाम लिया था, लेकिन 3 दिन के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव के तमाम किसानों का कर्जा माफ हुआ और 14,000 करोड़ रुपए जो हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। अलग से कृषि बजट पेश हुआ, कोरोना में शानदार काम हुआ, देश के प्रधानमंत्री को प्रशंसा करनी पड़ी कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कोरोना में मैनेजमेंट कर रहा है, पूरे देश के अन्य स्टेट्स को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। हमने एक से बढ़कर के एक स्कीमें लॉन्च करने का काम किया है, 10 तरीके की गारंटियां देने का काम किया है, किसान को मजबूत करने का काम किया है, माताओं और बहनों को, मातृ शक्ति को मजबूत करने का काम किया है, और विशेष रूप से किसानों को लंपी के अंदर 40,000 रुपए जिनकी गाय मर गई, आज 2,000 रुपए किसान के कृषि के जो बिजली का बिल है उसके माफ कर दिए हैं, 100 यूनिट माफ कर दिए हैं, गरीब को 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी देने का काम किया है, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। एक से बढ़कर के एक योजना हमारी सरकार ने दी है। 8 रुपए में इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंदर हमारे हर माता बहन बुजुर्ग भाई को 8 रुपए में खाना मिलेगा। हमारे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में इस तरीके की योजनाएं नहीं है। एक से बढ़कर के एक राइट टू हेल्थ हमारे यहाँ पूरे देश में सबसे पहले यहाँ पर लागू किया गया है। मिनिमम आय गारंटी योजना यहाँ से सबसे पहले शुरू की गई है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पूरे देश में कहीं भी नहीं, सरकारी स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, माननीय प्रियंका जी, यहाँ पर राजस्थान में 6 लाख किसान के बेटे और बेटियां उसका लाभ ले रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। अगर मैं सरकार की योजनाओं को, सरकार से मिलने वाले लाभ को गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज समय हम सबको प्रियंका जी का सुनने का है, इसलिए मैं पुनः इस निवाई की टोंग की धरती के ऊपर आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में प्रत्येक कार्यकर्ता को गांव ढाणी में जाना होगा और 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ में दोबारा कांग्रेस की सरकार लानी होगी और 2024 में मोदी सरकार का सूपड़ा साफ करना होगा। इस शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, पुनः कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, प्रदेशवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।